दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टैली के अंदर हम डाटा का पाथ किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेंगे। हमने टैली ओपन कर लिया है। गाइस देखिए, अब हम चेक करते हैं, इसमें डाटा का पाथ है हमारा लोकल सी यूजर अक्ष डेस्कटॉप न्यू फोल्डर। अब हमें इस पाथ को चेंज करना है। इसके दो तरीके होते हैं, एक करंट यूज करके चेंज कर सकते हैं, इसमें हम उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मली यूज चेंज कर सकते हैं कि हम बस वन टाइम के लिए इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे एंड हम टैली का एक लोकेशन ले लेते हैं। ये हमने लोकेशन को कॉपी कर लिया है। लोकेशन को कॉपी करने के बाद कंट्रोल अल्ट बी देन एंटर, तो अब यहाँ जो भी डाटा होता वो हमारा आ जाएगा। जैसे यहाँ डाटा नहीं है, जैसे ये हमारा डाटा है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, देन इसमें जाकर कंट्रोल अल्ट वी देन एंटर। देखिए हमारा डाटा आ गया है, बट हम जब इसको बंद करेंगे, अब दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, तो फिर से ये डाटा वहां जो पहली लोकेशन है ऑलरेडी वही शो कराएगा। ये देखिए सी यूजर एक्स डेस्कटॉप। तो इसके परमानेंटली किस तरह से हमें चेंज करना है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए सिलेक्ट कंपनी में जाइए पहले, फिर प्रेस कीजिए F12, देन डाटा कॉन्फ़िगर, या तो डायरेक्ट डी दबा दीजिएगा या डाटा कॉन्फ़िगर पे आकर कॉन्फ़िगरेशन पर आकर एंटर कर सकते हैं। ये हमारा डाटा कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। देन इसमें हम ये देखिए हमारी लोकेशन आ रही है, लोकेशन डाटा फाइल। अब हमें इसको चेंज करना है, तो लोकेशन डाटा फाइल को चेंज करने के लिए हमें ये डाटा लोकेशन डालना है। इस फोल्डर में डाटा हमें वहाँ चाहिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ कंट्रोल अल्ट वी से पेस्ट कर कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, देन यस कर देंगे। अब हम इसके बंद कर लेते हैं। अब दोबारा से ओपन करके देखते हैं, तो ये हमारा परमानेंटली चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ परमानेंटली चेंज हो गया है। गाइस अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।